हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ संकेत। सो टुडे वी विल लर्न अ न्यू कंसेप्ट, दैट इज ईओक्यू। इट इज़ इन कॉस्टिंग सब्जेक्ट, ग्रुप 1, सीएम में 2012 सिलेबस। सो इट कम्स अप्रॉक्सीमेटली फॉर 8 to 10 मार्क्स। लास्ट एक दो अटेम्प्ट से नहीं आया है, तो इस बार 100% चांस है दैट इट विल कम। इट वॉज ऑलवेज कमिंग फॉर 10 मार्क्स इन मटेरियल इन कॉस्टिंग पेपर नंबर 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली, वॉट इज ईओक्यू? EOQ, the full form is economic order quantity. The total cost of material usually consists of buying cost, ordering cost, carrying cost. यानी अगर एक material आप मंगाते हो तो उसके अंदर आपको तीन cost लगती है। एक buying cost, जितने में वो खरीद रहे हो आप। एक ordering cost, यानी एक order के 10 रुपये, यानी इसमें टेलीफोन कॉस्ट वगैरह जो भी है वो आता है। और कैरिंग कॉस्ट, उसका इंश्योरेंस वगैरह कराते हो, यानी इतना मटेरियल आपने स्टॉक में रखा है तो उस पे लगने वाली कॉस्ट, उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। सो देयर आर 3 कॉस्ट: बाइंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। सो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, व्हाट इज बाइंग कॉस्ट। आई विल टेल यू बाइंग कॉस्ट: अमाउंट पेड और पेएबल टू द सप्लायर ऑफ गुड्स। इट इंक्लूड्स द परचेस प्राइस प्लस ऑल नॉन डिडक्टेबल टैक्सेस। यानी इट इंक्लूड्स परचेस कॉस्ट प्लस टैक्सेस। देर इज अ फॉर्मूला फॉर ईओक्यू विच इज 2AO/C। द फेमस मैथमेटिशियन विल्सन, ये नाम याद रखो, विल्सन, विल्सन जी ने ईओक्यू बनाया है, उसका फॉर्मूला बनाया है। सो विल्सन इज द पर्सन, फेमस मैथमेटिशियन विल्सन डिराइव्ड द फॉर्मूला यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ ऑर्डर फॉर ईच परचेस एट मिनिमम ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विच इज गिवन बिलो। ये सब मैंने आपको बता दिया, विल्सन है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इट इज वेरी इजी, प्लीज लर्न द फॉर्मूला। देर इज नो अदर मेथड टू सॉल्व इट, इट हैज ओनली वन फॉर्मूला। ई ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO/C। ये ईओक्यू का फॉर्मूला है, घोट लो, रट लो, जो करना है कर लो। ईओक्यू इज इक्वल टू 2AO/C अंडर रूट। अब मैं आपको न्यूमेरिकल जब बताऊंगा, जब आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। सो हियर इट इज, इट फर्स्ट न्यूमेरिकल, पेज नंबर 2.9। द एवरेज एंड, ये इसके अंदर का जो फॉर्मूला है ये आपको बताना भूल गया। ए क्या है? ए स्टैंड्स फॉर एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड, इफ द क्वेश्चन हैज 100 यूनिट्स पर मंथ, सो यू हैव टू कैलकुलेट इट इन एनुअल, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 12। सो इट इज, ए इज एनुअल डिमांड, ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सी इज कैरिंग कॉस्ट। So this is it of EOQ. Now we'll start the numerical. So the page number 2.9, illustration number 2, it is given. So it says that the average annual consumption of material, average annual consumption is given. So A is given 18250 units at a price of 36.50. So price per unit is 36.50. The storage cost, storage cost is 20% on an average inventory, and the cost of placing order, ordering cost is 50 per order. How much quantity is to be purchased at a time? So EOQ का फॉर्मूला दोस्तों आपने लगाना है यहाँ पे। सो इट इज वेरी इजी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना रहता है। फॉर सी, स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पे लगती है, सो 36.50 जो है इसके ऊपर आपने 20% मल्टीप्लाई करना है, वो सी आएगा कैरिंग कॉस्ट। ये आपको समझा रहा हूं मैं, कैरिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड पर यूनिट इनटू स्टोरेज कॉस्ट का परसेंटेज दिया रहता है वो। सो लेट्स सॉल्व। सो इट इज 2 into 18250 विच इज गिवन एनुअल डिमांड, नाउ मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट इज गिवन 50, डिवाइडेड बाय, आई हैव टोल्ड यू 36.50 इंटू 20%, यानी आप 20/100 भी लिख सकते हो। सो इट कम्स टू 500 यूनिट्स, यू कैन कैलकुलेट इट फ्रेंड्स। सो द ईओक्यू इज 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स आपको मंगाने पड़ेंगे जब आपका सबसे मिनिमम कॉस्ट
मिनिमम कॉस्ट आएगा, सबसे ज़्यादा कम आएगा। अगर आप सोचोगे कि एक टाइम में आपको 500 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है तो आपका कॉस्ट मिनिमम आएगा। अभी अगर आप सोचोगे कि मैं 600 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया तो क्या होगा, 700 का किया तो क्या होगा, तो जब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें वो बोलेंगे कैलकुलेट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, जब मैं आपको बताऊंगा, जस्ट नोट वन थिंग और रिमेंबर इन EOQ, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज सेम। यू हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। इफ द बोथ कॉस्ट, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम्स टू इक्वल, मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100 एंड कैरिंग कॉस्ट ऑल्सो कम्स 100, देन योर न्यूमेरिकल इज राइट और एल्स इट इज रॉन्ग। नाउ इफ यू वॉन्ट टू सी that it is the ordering cost and carrying cost is same or not, there is a formula for carrying ordering cost. So ordering cost formula is A upon Q into OC. You have to learn it friends, there is no other ये। और अगर आपको logical आपको देखना है तो आप एकदम easily बता सकते हो ordering cost क्या है, आपको साल भर में कितना लग रहा है 18250, आप एक बार में कितना मंगा रहे हो 500, यानी इतने orders आपको place करने पड़ेंगे, और एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है 50। सो इफ यू कैलकुलेट 18250 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 50, इट कम्स टू 1825 रुपीस। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1825 रुपीस। फॉर कैरिंग कॉस्ट फॉर्मूला इज क्यू अपॉन 2 इनटू सीआई। आई हैव टोल्ड यू हियर आल्सो, कैरिंग कॉस्ट जब निकालनी रहती है व्हाट यू डू 20% इंटू 36.5। सो ये सी यानी ही सी आई है, ये इधर के लिए सी है, इधर के लिए सी आई है, यही है। तो इफ यू डू 36.50 इंटू 20% इट इज 7.3। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, आपने क्वांटिटी यहाँ निकाली है 500, सो 500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी आई 7.3। सो 500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7.3। अरे अरे बाप रे बाप, ये तो बराबर आ गया। सो दिस इज इट फ्रेंड्स फॉर EOQ। अभी अपन एक दो सम और करेंगे। सो लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। वेर इफ यू हैव टू चेक दैट EOQ यू हैव कैलकुलेटेड इज राइट और रॉन्ग, यू फर्स्ट कैलकुलेट EOQ बाय दिस फॉर्मूला। EOQ इज 2AO अपॉन C एंड यू कैलकुलेट 500 यूनिट्स एंड देन यू अप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट विच इज वेरी इजी। एनुअली आपको कितना लग रहा है उसमें से आप कितना मंगा रहे हो तो उसको डिवाइड करेंगे तो इतने क्वांटिटी मंगानी है, और एक बार ऑर्डर करेंगे तो 50 रुपये लगेंगे, तो कितना लगेगा। सो 1825 कैरिंग कॉस्ट, आपको मैंने बताया क्वांटिटी यानी 500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू CI। CI यानी यही रहता है फ्रेंड्स 36.50 इंटू 20% पर यूनिट आपका इतना खर्चा है, और स्टोरेज कॉस्ट 20% है, 20% ऑफ पर यूनिट यही रहता है, हर बार पर यूनिट का यही रहता है, इतने पर यूनिट की कॉस्ट है और उसपे से 20% आपको स्टोरेज यानी इंश्योरेंस कराया, ये कराया, वो कराया, तो पर यूनिट का आपको निकालना होता है यहाँ पे। सो इट इज 7.3 ये करा, ये दोनों अगर मैच कर गया है तो EOQ बराबर है। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, अपना मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 है। सो हियर व्हाट इज गिवन, आई विल राइट हियर, आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। सो हियर इट इज गिवन कंजम्पशन 10,000, दैट इज ए। A is equal to 10,000. OC, ordering cost is given 50. Cost per unit is given, या cost per kg दिया है यहाँ पे 2, और storage cost दिया है 8%. So I have told you 8% इस पे लगेगा, तो ये आ जाएगा C और दूसरे में बन जाएगा CI। ये आप याद रख लो, बहुत आसानी होगी। सो EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन C इज इक्वल टू 2 इंटू 10,000 है एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8%। सो आप ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2,500 यूनिट्स। आप कैलकुलेटर पे कर लो, यही आएगा। मेन आपका ये था सी, यहाँ पे सी है, तो सी क्या लेना है 2 का 8%, 2 इंटू 8 अपॉन 100 और 2 इंटू 8% प्लेन कैलकुलेटर पे आप करो, सो 2,500 आएगा। अब इसके अंदर आपको EOQ सही है कि नहीं चेक करना है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल
आप ऑर्डरिंग कॉस्ट एक निकालोगे, एक निकालोगे कैरिंग कॉस्ट। सो व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? आपको साल भर में कितना यूनिट्स लग रहा है? 10,000। आप एक बार में कितना मंगा रहे हो? 2,500। यानी आपको 4 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे, एक बार में 2,500, दूसरे बार में 2,500 यानी 5,000, वैसे ही आपको दो बार करना पड़ेगा तो 10,000 यानी 4 ऑर्डर। नहीं समझ में आ रहा, एनुअल डिमांड लिख दो, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी यानी EOQ लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय एक ऑर्डर मारे तो कितना खर्चा आता है? 50 रुपये, ये लिख दो आप। सो ये आएगा 4 × 50 यानी 200 ऑब्वियसली। सो ये 200 आएगा। अब आपको CC यानी कैरिंग कॉस्ट निकालना है। इसका फॉर्मूला है Q/2 × CI। क्वांटिटी यहाँ है 2,500 डिवाइडेड बाई 2 × CI। CI आपको बोला है ये यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो CI 2% 0.16। आप इसको सॉल्व करो, जादू होनी चाहिए। 2,500 डिवाइडेड बाई 2 × 0.16 इट कम्स टू 200। यू कैन सी इन कैलकुलेटर ऑल्सो। तो 200 EOQ इज कंप्लीटली करेक्ट।